गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यूनिट वन स्टार्ट करते हैं बच्चों। यूनिट वन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ आपको बताती हूँ। क्या होती है बच्चों सॉइल फर्टिलिटी? सॉइल फर्टिलिटी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सस्टेन एग्रीकल्चर प्लांट ग्रोथ, कि सॉइल की वो एबिलिटी जो कि प्लांट की ग्रोथ को लंबे समय तक बनाए रखती है वो क्या कहलाती है? सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। डैट इज़ टू प्रोवाइड प्लांट हैबिटेट एंड रिजल्ट इन सस्टेन्ड एंड कंसिस्टेंट यील्ड ऑफ हाई क्वालिटी, कि क्या होता है इससे प्लांट जो है उससे हाई क्वालिटी यील्ड होती है। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है। तो फर्टाइल सॉइल हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। फर्टाइल सॉइल की ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट इज़ द एबिलिटी टू सप्लाई असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एंड वाटर इन एडिक्वेट अमाउंट एंड प्रपोर्शन फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहला काम उनका क्या होता है कि प्लांट को जो जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो सॉइल उनको प्रोवाइड करवा पाती है। वो सॉइल फर्टिलिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है। सेकंडली, द एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस विच में इनहिबिट प्लांट ग्रोथ, यानी सॉइल फर्टाइल सॉइल में किसी भी तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होते हैं। द प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टाइल इन मोस्ट सिचुएशन। Sufficient soil depth for adequate root growth and water retention. Sufficient soil की जो depth होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए root की growth के लिए और वहाँ पे water retention की power होने के लिए। Good internal drainage होना चाहिए, allowing sufficient aeration for optimal root growth. इंटरनल ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए ताकि वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। सेकेंडली क्या है कि रूट के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए ताकि सॉइल में बहुत अच्छी इरिएशंस होनी चाहिए ताकि वो रूट को अच्छे से ग्रोथ करवा सके। ऑल दो सम प्लांट्स सच एज राइस टॉलरेट वाटर लॉगिंग। ठीक है, ये कहने का मतलब ये होता है कि सॉइल फर्टाइल है तो फर्टाइल का मतलब बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, वाटर भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, पर वाटर जो है वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, जितना एक्सेस वाटर है वो ड्रेन हो जाना चाहिए। उसके बाद सॉइल में क्या होना चाहिए? प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए जो रूट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। टॉप सॉइल और ऑरिजिन इज विद ऑक्सीजन इज विद सफिशेंट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर फॉर हेल्दी सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन। टॉप सॉइल या उसका जो ऑरिजिन होता है उसमें सफिशेंट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स होने चाहिए फॉर हेल्दी सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन के लिए। सॉइल पीएच कितनी होनी चाहिए बच्चों? 5.5 to 7 के आसपास। एडिक्वेट कंसेंट्रेशन ऑफ असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इन प्लांट अवेलेबल फॉर्म, प्रेजेंस ऑफ अ रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, यानी उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होने चाहिए जो कि प्लांट की ग्रोथ को प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करें, उसकी ग्रोथ बढ़ाएं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम होता है लेग्यूमिनस प्लांट में, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, इस तरह से माइकोराइजा जो होता है वो फॉस्फोरस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसने यही बोला है कि अ रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, किसमें? फर्टाइल सॉइल में। तो ये हो गया आपका सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, कि सॉइल फर्टिलिटी एबिलिटी होती है किसी भी सॉइल की जिसमें प्लांट जो है वो काफ़ी लंबे समय तक ग्रो कर सके। सेकेंड आती है सॉइल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या मतलब होता है बच्चों? सॉइल प्रोडक्टिविटी मीन्स द क्रॉप प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल विच इज मेजर इन टर्म ऑफ यील्ड। ठीक है, क्रॉप प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी यानी उस सॉइल में कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है वो कहलाता है सॉइल प्रोडक्टिविटी। फर्टिलिटी में तो कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितनी वाटर है, वाटर रिटेंशन रिटेनिंग पावर कितनी है, एरिएशन कितना है, वो तो फर्टिलिटी होगी। और सॉइल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा बच्चों? कि कितना क्रॉप का प्रोडक्शन उस सॉइल से हो रहा है वो कहलाता है सॉइल प्रोडक्टिविटी। कैपेसिटी ऑफ सॉइल विच इज मेजर इन टर्म ऑफ यील्ड की टर्म में हम उसको मेजर करते हैं। प्रोडक्टिविटी इज वेरी ब्रॉड टर्म एंड फर्टाइल इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड। क्लियर, प्रोडक्टिविटी इसका बहुत बड़ा है, ब्रॉड टर्म है, जबकि सॉइल फर्टिलिटी जो है वो स्मॉल फैक्टर ही है इसका। सॉइल, क्लाइमेट, पेस्ट, डिजीज, जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ क्रॉप, मेंस मैनेजमेंट आर मेन फैक्टर गवर्निंग लैंड प्रोडक्टिविटी। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल प्रोडक्टिविटी को बता रहे हैं एज मेजर बाय यील्ड ऑफ क्रॉप। टू बी प्रोडक्टिव सॉइल मस्ट कंटेन ऑल द 13 असेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। 13 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। द टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नॉट ओनली बीइंग सफिशियंट बट दे शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन इजीली अवेलेबल फॉर्म एंड इन बैलेंस प्रपोर्शन।
ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के पास होने चाहिए, ना केवल होने चाहिए बल्कि वो एक अवेलेबल फॉर्म में, जितनी अवेलेबल चाहिए उतनी अवेलेबल फॉर्म में होना चाहिए और बैलेंस प्रपोर्शन में वो होना चाहिए। ओवर एंड अबव फर्टिलिटी देयर इज अदर फैक्टर डिसाइडिंग प्रोडक्टिविटी, अलग अलग फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं प्लांट न्यूट्रिएंट, असेंसिबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट। अ मिनरल एलिमेंट इज कंसिडर्ड असेंशियल टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मिनरल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ द एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिक फंक्शन, यदि ये जो मिनरल्स होते हैं ये प्लांट मेटाबॉलिक फंक्शन के में इन्वॉल्व होते हैं, द प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द एलिमेंट। प्लांट की मेटाबॉलिक फंक्शनिंग कर रहे हैं बच्चों, इसलिए प्लांट अपनी लाइफ साइकिल विदाउट न्यूट्रिएंट्स नहीं कर पाता, इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। यूजुअली द प्लांट एग्जिबिट अ विजुअल सिम्टम्स इंडिकेटिंग अ डेफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट व्हिच नॉर्मली कैन बी करेक्टेड और प्रिवेंटेड बाय सप्लाई द न्यूट्रिएंट। कई बार क्या होता है बच्चों कि किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें उसे उतनी प्रॉपर क्वांटिटी में प्लांट को देना होता है, तभी वो डेफिशिएंसी क्योर होती है, नहीं तो नहीं होगी। टर्म कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट, कौन कौन सी टर्म्स हम इसमें यूज करते हैं बच्चों, पहली है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट इज लो इनफ टू लिमिट यील्ड, एक लिमिट है, उस लिमिट से कम होता है न्यूट्रिएंट, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट बोलते हैं। सीवियरली एंड डिस्टिंक्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर विजिबल, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन प्लांट डेथ, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है उससे प्लांट डेथ होने के चांसेस रहते हैं। विद मॉडरेट और स्लाइट डेफिशिएंसी सिम्टम्स मे नॉट बी विजिबल, यदि बहुत कम डेफिशिएंसी होती है तो बच्चों सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, बट यील्ड विल स्टिल बी रिड्यूस, पर उससे क्या मेन इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो यील्ड होती है वो कम मिलती है हमें। सेकेंड होता है क्रिटिकल रेंज, क्रिटिकल रेंज क्या होती है बच्चों, द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन द प्लांट बिलो विच इज यील्ड रिस्पॉन्सिबल टू एडेड न्यूट्रिएंट अकर, द न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन प्लांट बिलो विच अ यील्ड रिस्पॉन्स। मैंने अभी आपको एक बात बोली कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया तक अपने को वो न्यूट्रिएंट चाहिए, उससे कम होते ही क्या हो जाता है बच्चों, प्लांट की यील्ड जो होती है वो अफेक्ट होती है, तो वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया ही क्या कहलाती है, क्रिटिकल रेंज कहलाती है। क्रिटिकल लेवल और रेंज वैरी अमंग प्लांट एंड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट टू प्लांट ये वैरी करता है, न्यूट्रिएंट टू न्यूट्रिएंट ये वैरी करता है, बट अकर समवेयर इन द ट्रांजिशन बिटवीन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब भी नाम से समझ आ रहा है कि एक सफिशिएंट क्वांटिटी अपने को चाहिए होती है। द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन विच एडेड न्यूट्रिएंट विल नॉट इंक्रीज यील्ड, यदि इससे ज़्यादा हमने उसमें न्यूट्रिएंट डाल दिए हैं तो यील्ड इंक्रीज नहीं होती है, बट कैन इंक्रीज न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, ओनली न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। द टर्म लग्जरी कंजप्शन इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस यील्ड, ये किसी तरह से यील्ड को इफेक्ट नहीं कर रहा है। फिर आता है एक्सेसिव और टॉक्सिक, बच्चों जिस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होगी तो वो यील्ड को अफेक्ट करती है, उसी तरह यदि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी यदि न्यूट्रिएंट्स की हम प्लांट को दे देते हैं तो वो उसके लिए क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल और अदर एलिमेंट इज हाई इनफ टू रिड्यूस प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कैन कॉज एन इम्बैलेंस इन अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट विच ऑल्सो कैन रिड्यूस यील्ड, ये भी क्या करेगी, यील्ड को रिड्यूस करती है। अब हम आते हैं बच्चों एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ 16 एलिमेंट्स आर कंसिडर एसेंशियल टू प्लांट ग्रोथ, कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन द मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट इन प्लांट, बेटा ज़्यादातर जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट हो गया अपना न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये सारे मेनली किससे बन रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनते हैं, तो ये मोस्ट एविडेंट एलिमेंट्स होते हैं। द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इन ग्रीन लीव्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम विच अमीनो एसिड सुगर प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज्ड, अभी बोला मैंने ये सारी चीज़ किससे बन रही है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्योंकि पहले कार्बोहाइड्रेट बनता है उससे फिर अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो जाते हैं, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉट कंसिडर्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, इनको मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं बोलते हैं बच्चों। द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट, द सप्लाई ऑफ H2O रियली लिमिट फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली बट डज इनडायरेक्ट थ्रू द वेरियस इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम मॉइस्चर स्ट्रेस। ठीक है, द रिमेनिंग 13 एसेंशियल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। डिपेंड करता है बच्चों, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाता है, थोड़ा कम क्वांटिटी में चाहिए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव एविडेंस इन प्लांट्स। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कंपेयर टू द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, द कंसेंट्रेशन ऑफ 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कहने का मतलब वही मैंने बोला था, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में है जिनको मैंने क्या नाम दिया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और वो कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आपकी क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी कंपेरिजन यदि मैं किससे करूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और वो कौन कौन से हैं, फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, क्लोरीन एंड मॉलिब्लेडम आर वेरी स्मॉल। 5 एडिशनल एलिमेंट और बच्चों इसमें है, सोडियम, कोबाल्ट, वैनेडियम, निकल एंड सिलिकॉन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन सम प्लांट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑफन रेफर टू माइनर एलिमेंट्स बट दिस डज नॉट मीन दैट दे आर लेस इंपॉर्टेंट देन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि मैंने आपको क्रिटिकल रेंज बताई थी, क्रिटिकल रेंज का मतलब वो रेंज तो होनी ही चाहिए, उससे कम रेंज होगी तो यील्ड अफेक्ट हमेशा होगी या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब एक ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब कम क्वांटिटी हो गई, पर उनका होना जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो भी डेफिशिएंसी होती है। तो हम ये ना सोचें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो वो नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी कैन रिड्यूस प्लांट यील्ड सिमिलरली टू मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। क्लियर? इनफैक्ट प्लांट एब्जॉर्ब मैनी नेसेसियल एलिमेंट्स, ओवर 60 एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्लांट्स। 60 एलिमेंट्स प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करता है, जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट भी बता रहे हैं हम। व्हेन प्लांट मटेरियल इज बर्न्ड द रिमेनिंग प्लांट हैज कंटेन्ड ऑल द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल मिनरल एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर विच आर बर्न्ड ऑफ एज अ गैस। क्लियर? इन सबको हम कैसे ले सकते हैं कि प्लांट है, उस प्लांट को यदि हम बर्न करते हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमें दिखते हैं। ओनली कौन से नहीं दिखते, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में क्या है एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। सॉइल, क्लाइमेट, क्रॉप वेराइटी एंड मैनेजमेंट फैक्टर एक्सर्ट कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन प्लांट कंपोजिशन बिकॉज मैनी बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन अकर विद फर्टिलाइजर इन सॉइल्स। ठीक है, काफ़ी सारी रिएक्शन जो हैं वो फर्टिलाइजर्स के थ्रू सॉइल में होती हैं। द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय प्लांट डज नॉट इक्वल द क्वांटिटी अप्लाइड एज अ फर्टिलाइजर। देखो बच्चों, हम जितनी क्वांटिटी सॉइल को दे रहे हैं एज अ फर्टिलाइजर, कोई ज़रूरी नहीं उतनी ही क्वांटिटी में प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा, एक लिमिट में वो उसको एब्जॉर्ब करता है। प्रॉपर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैन मैक्सिमाइज द प्रोपोर्शन ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। भी आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के थ्रू प्लांट जो होता है बहुत आराम से उन एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर पाता है। एज प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, जब वो न्यूट्रिएंट सॉइल से लेता है, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड डाई, द न्यूट्रिएंट इन प्लांट रेसिड्यू आर रिटर्न टू द सॉइल। देखो बच्चों, जितनी उसकी लाइफ साइकिल होती है, मान लो एक लीफ की ही बताऊं मैं बच्चों, लीफ हमारी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहती है, उसके बाद वो जैसे ही ओल्ड होती है वो नीचे गिर जाती है, तो उतने टाइम पीरियड तक उसको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके पास होते हैं। आफ्टर दैट वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे ही वो सॉइल में गिरती है वापस सॉइल को मिल जाते हैं। दीज प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर सब्जेक्ट टू द सम बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन एज अ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स। ऑल्दो द साइकिल वेरीज सम वॉट अमंग न्यूट्रिएंट्स, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स इन द सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर सिस्टम इज असेंशियल टू सक्सेसफुल फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ कौन कौन से बच्चों, हमने देखे कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है नॉर्मली लेते हैं हम, हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में, ऑक्सीजन H2 और O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन NH4 NO3 के फॉर्म में लेते हैं, अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, फॉस्फोरस हो गया H2PO4 और HPO2 का की फॉर्म में लिया जाता है, पोटेशियम जो है K+ की फॉर्म में, कैल्शियम जो है K+2 की फॉर्म में, मैग्नीशियम Mg+2 की फॉर्म में, सल्फर SO2 और SO4 की फॉर्म में, आयरन जो है Fe+2+3 की फॉर्म में, मैग्नीज जो है Mg+2 की फॉर्म में, बोरोन H3BO3 की फॉर्म में, जिंक जो होता है Zn+2 की फॉर्म में, कॉपर Cu+2 की फॉर्म में, मॉलिब्लेडम
MOO2 का हॉल माइनस 4 की फॉर्म में, क्लोरीन क्लोरीन माइनस की फॉर्म में हम लेते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में हम ले रहा है, प्लांट ले रहा है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, कितनी कंसंट्रेशन जरूरी होती है, एवरेज कंसंट्रेशन की बात करें तो हाइड्रोजन 6% रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन 45%, कार्बन 45%, नाइट्रोजन 1.5%, पोटेशियम 1%, कैल्शियम 0.5%, मैग्नीशियम 0.2%, फॉस्फोरस 0.1% रिक्वायरमेंट रहती है, सल्फर की 0.1%, क्लोरीन 100 ppm यानी 0.01%, बोरोन 20 ppm, मैग्नीज 50 ppm, जिंक 20 ppm, कॉपर 6 ppm, मॉलिब्लेडम 0.1 ppm की रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों। यानी ये माइनर क्वांटिटी में है पर जरूरी है ये प्लांट के लिए। अब वो तुम्हें थोड़ा सा फंक्शन से पता चल जाएगा कि क्यों जरूरी होते हैं। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस बाय वेट ऑन अ ड्राई मैटर बेसिस। न्यूट्रिएंट के फंक्शन देखिए, सबसे पहले कार्बन की बताऊं बच्चों, तो कार्बन क्या होता है, बेसिक मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का बेसिक कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है, कार्बन होता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज समवॉट लाइक कार्बन इन दैट इट अकर इन वर्चुअल ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है। सेम हाइड्रोजन प्ले क्रिटिकल रोल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म में, ये अपना रोल दिखा रहा है, इंपॉर्टेंस इन आयनिक बैलेंस एज मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों ये, एंड प्ले अ की रोल इन एनर्जी रिलेशन ऑफ सेल। एनर्जी रिलेशन ऑफ सेल में मैंने लास्ट ईयर 11th में पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस में, कि वहाँ पे कैसे ये वर्क करता है प्रोटोन ग्रेडियंट की फॉर्म में हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की बात करती हूँ बच्चों, तो नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड रेंजिंग फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड की रेंज में ये रहता है। फॉस्फोरस सेंट्रल रोल इन प्लांट इज इन एनर्जी ट्रांसफर एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इनका मेन काम क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर करना और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। पोटेशियम क्या है, हेल्प इन ऑस्मोटिक एंड आयनिक रेगुलेशन, ऑस्मोटिक और आयनिक रेगुलेशन करता है। पोटेशियम फंक्शन एज अ कोफैक्टर और एक्टिवेटर फॉर मैनी एंजाइम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। पोटेशियम का क्या वर्क बता रहा है बच्चों, ये एज अ कोफैक्टर, काफ़ी सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी में एज अ कोफैक्टर पोटेशियम का रोल होता है बच्चों। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में भी बच्चों पोटेशियम का बहुत अच्छा रोल होता है। कैल्शियम का रोल कहाँ होता है, कैल्शियम इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन में, कैल्शियम इन्वॉल्व होता है बच्चों। प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी में ये इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है। मैग्नीशियम कंपोनेंट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का कंपोनेंट है, क्लोरीन का जो है बन रहा है वो मैग्नीशियम से ही बन रहा है, ठीक है। एंड अ को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइमेटिक रिएक्शन। सल्फर इज समवॉट लाइक फॉस्फोरस इन दैट इट इज इन्वॉल्व इन प्लांट सेल एनर्जेटिक। सल्फर मेनली कहाँ यूज किया जा रहा है बच्चों, प्लांट सेल एनर्जेटिक रिएक्शंस में यूज किया जाता है। आयरन एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैनी हीम एंड नॉन हीम फेरस एंजाइम। आयरन जो है वो हीम और नॉन हीम, हीम जो फेरस एंजाइम होते हैं वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। कैरियर की फॉर्म में यूज किया जाता है इंक्लूडिंग साइटोक्रोम्स, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह, एंड फेरिडॉक्सिन की फॉर्म में। ये सारा रेस्पिरेशन में पढ़ाया था बच्चों मैंने, ध्यान हो तो थोड़ा सा। द लैटर आर इन्वॉल्व इन की मेटाबॉलिक फंक्शन एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जिंक की बात करूँ, असेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेवरल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। जिंक जो है काफ़ी सारे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कंपोनेंट है, पेप्टाइडेज इंक्लूडिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामिक डीहाइड्रोजिनेज एंड मैलिक डीहाइड्रोजिनेज एमंग अदर, ठीक है। ये सारा बता रहा है कि जिंक को कहाँ कहाँ पे अपन यूज करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी में। मैग्नीज इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की ऑक्सीजन इवॉल्विंग में ये वर्क कर रहा है। एंड इज अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम आर्जिनेज एंड फॉस्फो ट्रांसफरेज, आर्जिनेज और फॉस्फो ट्रांसफरेज की फॉर्म में ये यूज होता है। कॉपर की बात करूँ, कॉन्स्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट एंजाइम इंक्लूडिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एरोबिक एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज एंड लैकेज, इसमें कॉपर का यूज किया जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये भी, और ये भी अलग अलग एंजाइम्स को वर्क करने में यूज किया जाता है। ये हो गया कॉपर, हो गया मैंगनीज, हो गया जिंक, हो गया ये सारे के सारे बेटा यूज किए जाते हैं एज अ को फैक्टर भी बोल सकते हो और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी। बोरोन की बात करूँ, इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यूज लिया जाता है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट होता है बेटा बोरोन।
मॉलिब्लेडम रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एसेसिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट. प्लांट की नॉर्मल एसेसिबिलिटी के लिए मॉलिब्लेडम की रिक्वायरमेंट होती है. नाइट्रोजन फिक्सेशन में बच्चों ये रहता है, ठीक है. एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एज वेल एज नाइट्रोजिनेज. नाइट्रोजिनेज एंजाइम में मॉलिब्लेडम की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी वो रिएक्शन होती है. क्लोरीन एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एज ए एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्विंग स्प्लिटिंग वाटर, ठीक है. क्लोरीन जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में रिक्वायर होता है. इट ऑल्सो फंक्शन इन ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोइंग ऑन सलाइन सॉइल. क्लियर? तो ये सारे क्या हो गए बच्चों, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उन न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन हो गए. अब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी है बच्चों आपके सिलेबस में और टॉक्सिसिटी भी है, तो वो भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्लांट. ग्रोइंग प्लांट एक्ट एज अ इंटीग्रेटर्स ऑफ ऑल ग्रोथ फैक्टर्स. जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनके इंटीग्रेटर के रूप में ये वर्क कर रहा है. आर द प्रोडक्ट इन विच द ग्रोअर इज इंटरेस्टेड. Therefore, careful inspection of the growing plant can help identify a specific nutrient stress. अगर हम carefully देखना चाहें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें एक स्पेशल इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है. If a plant is lacking a particular nutrient, characteristic symptoms may appear. एक सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं. Deficiency of a nutrient does not directly produce symptom, rather the normal plant processes are thrown out of balance. With an accumulation of certain intermediate organic compound and a shortage of other, this lead to abnormal condition recognized as a symptoms. बात समझ में आई बच्चों? ज़्यादा quantity में हो या कम quantity में हो, वो हमें as a symptoms दिख जाता है. Visual evaluation of nutrient stress should be used only as a supplement to other diagnostic technique. Soil and plant analysis. न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज. ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं, कंप्लीट क्रॉप फेलियर एट द सीडलिंग स्टेज. क्या होगा यदि डेफिशिएंसी होगी तो क्रॉप का जो कंप्लीट सीडलिंग है वो नहीं फॉर्म होता है. सीवियर स्टंटेड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है. स्पेसिफिक लीफ पे सिम्टम्स बच्चों दिखाई देते हैं एट वेयरिंग टाइम ड्यूरिंग द सीजन. इंटरनल एबनॉर्मलिटी सच एज क्लोजेस्ट कंडक्टिव टिश्यू. टिश्यू जो होते हैं वो धीरे धीरे ब्रेक होने स्टार्ट होते हैं. डिलेड एंड एबनॉर्मल मैच्योरिटी. मैच्योरिटी देर से आती है बच्चों. ओब्वियस यील्ड में भी डिफरेंस आ जाता है. कम यील्ड मिल रही है अपने को विद एंड विदाउट लीफ सिस्टम सॉरी सिम्टम्स. पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप इंक्लूडिंग डिफरेंस इन प्रोटीन ऑयल स्टार्च कंटेंट एंड स्टोरेज क्वालिटी. यानी उनकी क्वालिटी भी आपकी यील्ड तो कम हो ही गई, क्वालिटी में भी काफ़ी सारा चेंजेस दिखते हैं. यील्ड डिफरेंस डिफेक्टेड सॉरी डिटेक्टिंग ओनली बाय द केयरफुल एक्सपेरिमेंटल वर्क. एक्सपेरिमेंटल वर्क से हमें पता चलता है. ई सिम्टम मस्ट बी रिलेटेड टू सम फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द प्लांट. अ गिवन न्यूट्रिएंट मे हैव सेवरल फंक्शन विच मेक इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल रीजन फॉर अ पर्टिकुलर डेफिशिएंसी सिम्टम. फॉर एग्जाम्पल वन नाइट्रोजन इज डेफिशियंट. नाइट्रोजन की यदि डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों क्या होगा, द लीफ ऑफ द मोस्ट प्लांट बिकम पेल ग्रीन और लाइट येलो. वैन द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लिमिटेड, क्लोरोफिल प्रोडक्शन इज रिड्यूस. क्लोरोफिल हो गई नहीं प्रोड्यूस. एंड द येलो पिगमेंट कैरोटीन एंड जेंथोफिल आर सोन थ्रू अ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी प्रोड्यूस सच एज पेल ग्रीन और येलो लीफ. एंड द डेफिशिएंसी मस्ट बी फर्दर रिलेटेड टू पर्टिकुलर लीफ पैटर्न और लोकेशन ऑन द प्लांट. Apparent visual deficiency symptoms can be caused by many factors other than a specific nutrient stress. Precaution in interpreting nutrient deficiency symptom include the following. The visual symptoms may be caused by more than one nutrient. विजुअल सिम्टम्स जो हैं आपको तभी दिखाई देंगे कि ओनली वन अगर आपके न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उससे नहीं, एक से ज़्यादा होंगे तब ज़्यादा अच्छे से हमें पता चलता है. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स मे बी आइडेंटिफाइड ऑल्दो सल्फर मे ऑल्सो बी डेफिशिएंट एंड इट्स सिम्टम मे ऑल्सो बी रेडिली एपरेंट. यानी सल्फर नाइट्रोजन दोनों की डेफिशिएंसी होगी तो वो बहुत अच्छे से प्लांट में दिखती है. बोरोन डेफिशिएंसी इज अकम्पेन्ड बाय अ रेड कलराइजेशन ऑफ लीफ. यदि बोरोन की डेफिशिएंसी होती है तो रेड कलर आता है बच्चों लीफ में. नियर द ग्रोइंग पॉइंट व्हेन द प्लांट इज वेल सप्लाइड विद पोटेशियम. ऑन द अदर हैंड व्हेन द पोटेशियम कंटेंट इज लो, येलोइंग ऑफ अल्फा अल्फा लीफ अकर. अल्फा अल्फा लीफ जो होती है येलो कलर की हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम. डेफिशिएंसी आर एक्चुअली रिलेटिव और अ डेफिशिएंसी ऑफ वन न्यूट्रिएंट मे बी रिलेटेड टू एन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ अनदर. एक की क्वांटिटी कम है और दूसरे की क्वांटिटी ज़्यादा है
वो भी क्या करेगी, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज डेफिशिएंसी में भी इंड्यूस बाय एडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फेरस। मैग्नीज डेफिशिएंसी कब दिख रही है, जब अपन ने फेरस की क्वांटिटी बढ़ा दी है। प्रोवाइडिंग डैट सॉइल मैग्नीज इज मार्जिनली डेफिशिएंट ऑल्दो एट अ लो लेवल ऑफ फॉस्फोरस सप्लाई द प्लांट मे नॉट रिक्वायर एज मच नाइट्रोजन कम्पेयर टू नॉर्मल एंड एडिक्वेट फॉस्फोरस। बात समझ में आई, फॉस्फोरस की क्वांटिटी कम हुई तो नाइट्रोजन अपने को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। इन अदर वर्ड्स वंस द फर्स्ट लिमिटेड फैक्टर इज एलिमिनेटेड, एक लिमिटिंग फैक्टर एलिमिनेटेड होता है तो सेकंड लिमिटिंग फैक्टर विल अपीयर, दूसरा अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अमंग द डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन द फील्ड एज डिक्रीज और इंसेक्ट डैमेज कैन रिजेंबल सर्टन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। कई बार क्या होता है बच्चों की किसी तरह के इंसेक्ट ने प्लांट को क्या करा है, डैमेज किया है और डेफिशिएंसी, कई बार दोनों सिम्टम्स एक जैसे दिखाई दे जाते हैं। कैन रिजेबल सर्टन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल लीफ होपर डैमेज कैन कन्फ्यूज विद डेफिशिएंसी इन अल्फा अल्फा। अ विजुअल सिम्टम्स मे बी कॉज बाय मोर देन वन फैक्टर, फॉर एग्जांपल सुगर इन कॉर्न कम्बाइंड विद फ्लेवोन्स टू फॉर्म एंथोसाइनिन, पर्पल रेड येलो पिगमेंट एंड देयर एक्युमुलेशन मे कॉज बाय द इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की सप्लाई नहीं होती है तो क्या होता है, ये बढ़ जाता है एंथोसाइनिन। लो सॉइल टेम्परेचर एंड इंसेक्ट डैमेज टू द रूट एंड नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर ओनली आफ्टर द न्यूट्रिएंट सप्लाई इज सो लो। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमें तभी मिलेगी जब हमने न्यूट्रिएंट्स को बहुत कम क्वांटिटी में दिया है। That the plant can no longer function properly. In such cases, it would have been profitable to have applied fertilizer long before the symptom appear. कि ये हमारे लिए profitable तब होगा जब हम अच्छी quantity में क्या देंगे, fertilizers देंगे। If the symptoms are observed early, it might be corrected during the growing season. Since the objective is to get the limited nutrient into the plant as quickly as possible, with the some nutrient under some condition. This may be accomplished with foliar application or side dressing. ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो limited nutrients होते हैं जो हम plant को दे रहे हैं to the plant as quickly as possible with some nutrient under some condition, this may be accomplished with foliar application and side drainage. Usually the yield is reduced. कई बार क्या होता है, यील्ड रिड्यूस होती है बिलो द क्वांटिटी डैट वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड इफ एडिक्वेट न्यूट्रिएंट हैड बीन अवेलेबल एट द बिगनिंग। हाउएवर इफ द प्रॉब्लम इज प्रॉपरली डायग्नोस्ड द डेफिशिएंसी कैन बी करेक्टेड द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, तो ये आपका बताया इसने कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि डेफिशिएंसी है या टॉक्सिसिटी है, या एक की डेफिशिएंसी हुई और दूसरे की क्वांटिटी ज़्यादा है तो भी क्या होता है कि वो बैलेंस हो जाता है। कई बार डेफिशिएंसी जो है वो इंसेक्ट के ने यदि किसी प्लांट को डैमेज किया है वो सेम दिखाई देती है तो कई बार पता भी नहीं चलता है, तो वो चीज़ ये सारी आपको यहाँ पे बता रहा है। हिडन हंगर क्या होता है बच्चों, हिडन हंगर का मतलब, हिडन हंगर रेफर टू अ सिचुएशन इन विच अ क्रॉप नीड मोर ऑफ अ गिवन न्यूट्रिएंट येट हैज शोन नो डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कह रहा है कि हिडन हंगर का मतलब कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी, क्या बता रहा है, किसी भी सिम्टम्स के, यानी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको पर उनको प्लांट सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है। दिस न्यूट्रिएंट कंटेंट इज अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम जोन बट स्टिल कंसिडरेबली नीडेड फॉर ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन। पर ये किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है पर उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट प्लांट को है जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, विद मोस्ट न्यूट्रिएंट ऑन मोस्ट क्रॉप सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड इवन दो नो रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम्स हैव अपीयर। द क्वेश्चन देन इज हाउ बेस्ट टू एलिमिनेट हिडन हंगर। अब ये क्वेश्चन है कि हम हिडन हंगर को कैसे हटा सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ प्लांट एंड सॉइल इज हेल्पफुल, तो उस कंडीशन में हमें क्या करनी है, प्लांट और सॉइल का टेस्टिंग करना है फॉर प्लानिंग और मॉडिफाइंग प्लांट न्यूट्रिएंट, कि हमें अच्छे प्लांट न्यूट्रिएंट्स उनको देने हैं, प्लानिंग उस अकॉर्डिंग करेंगे हम टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम इन सब्सिक्वेंट क्रॉप। इन बोथ अप्रोचेज केयरफुल कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू पास्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, तो हमें पहले से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है वो पहले से ही ध्यान में रखते हुए उस मैनेजमेंट को करते हुए ही प्लांट को दूँ ताकि हिडन हंगर की प्रॉब्लम ना आए। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनरल विजुअल लीफ एंड प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट डेफिशिएंसी, है ना, अलग अलग प्लांट न्यूट्रिएंट से क्या हो रही है और उनके एक्सेस होने से कौन से सिम्टम्स हमें दिखते हैं।